आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। जब ट्रंप को अपने सहयोगियों से ये पता लगा कि 67 वर्षीय मोदी लंबे समय से अपनी पत्नी से अलग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मोदी की शादी में बिचौलिया बनने को राजी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में ये बात कही। एक रिपोर्ट में ट्रंप की टेलीफोन पर बातचीत के सलीके की कमी, गलत उच्चारणों और असहज बैठकों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ये भी जाहिर किया कि वो दक्षिण एशिया को काफी कम समझते हैं। सूत्रों ने बताया उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, उन्हें लगा कि ये सब भारत का हिस्सा है। जब उन्होंने भूटान और नेपाल को देखा तो कहा कि ये क्या है। इसके बाद जब ट्रंप के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि मोदी व्हाइट हाउस में बैठक के लिए अपनी पत्नी को साथ नहीं ला रहे हैं, तो ट्रंप ने कथित तौर पर मजाकिया लहजे में कहा, मुझे लगता है कि मैं उन्हें किसी के साथ सेटल कर सकता हूं। रिपोर्ट में दो अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पीएम मोदी के साथ बीते साल व्हाइट हाउस में बैठक से पहले ट्रंप कथित तौर पर दक्षिण एशिया का नक्शा समझ रहे थे और तभी उन्होंने नेपाल को निप्पल कहा और भूटान को बटन। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात को लेकर भी आशंकित थे कि भारत से सीमा साझा करने वाले ये दोनों देश अस्तित्व में है भी या नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। You sound good.